हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ दहिया। एंड आज हम आए हुए एकदम से डर गया भाई, ये एकदम से क्या हो गया तेरे को? अभी यहाँ पे चल रही है कलर ग्रेडिंग और आज टीजर आ जाएगा हमारी नई वीडियो का, जो कि हमने बहुत टाइम लगा के शूट करी है और वो आने वाली है। तो अभी वहाँ पे इतना टाइम शूट में, मतलब शूट में इतना टाइम लगता है, पोस्ट जो काम होता है ना, जो आफ्टर शूट होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का दिन देखते हैं, जैसा भी निकलेगा वैसा आपको दिखाते जाएंगे, बिकॉज अभी मेरे को 2-3 जगह जाना है, फिर उसके बाद स्टूडियो पर जाएंगे। बाकी अभी के लिए बस ये चल रहा है, कलर ग्रेडिंग चल रही है। अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ और जादूर नहीं है मेरा घर इस वाले स्टूडियो से, जो भाई के स्टूडियो पे था वहाँ से 100 मीटर दूर है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट थोड़ा पैदल चल लेते हैं आज। घर जाके एक बार चंपी करवाते हैं बालों में, तेल मालिश, एंड उसके बाद जाना है बैंक। बैंक में यार मेरा ना अकाउंट काफ़ी दिनों से ब्लॉक पड़ा है, तो बैंक जाता हूँ, बैंक में एक बार वो काम करा लेते हैं, डेबिट कार्ड बनवाना है। उसके बाद मेरे को जाना है KTM सर्विस सेंटर, बाकी सारी चीज़ आपको रास्ते में दिखा दूँगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ। पहुंच गए भाई, घर पहुंच गए। हेलो जैकू, हेलो जैस, माय पेट डॉग जैकी, जैकू। हमारे घर में जो भी कुत्ता आता है ना, हम उसका नाम जैकी रखते हैं, पर रीज़न कि हमारे घर में जो पहला कुत्ता आया था उसका नाम भी जैकी था, और अब जितने भी कुत्ते आएंगे उन सबका नाम जैकी होगा, है ना जैकी, है ना जैकू। मैंने इसका नाम ना शैडो रखने के लिए सोचा था, बट पापा इसको जैकी जैकी बुलाते रहे और जैकी नाम पड़ गया। माता तेल मालिश कर दो। तेल मालिश कर दूँ? यस। जैकी वीडियो बनवा ले भाई अपनी। ये हमारा जैकी है, ये हमारा क्यूट डॉग है, और ये मेरी माँ है जो मेरे को बहुत गुस्सा करती है और मालिश कर रही है। बढ़िया, इसको देख लो, इसका स्टाइल अलग है। जैकी, जैकू, अब वो मेन गेट खुलने का वेट कर रहा है। हटना आंटी जी, थोड़ा सा मेन गेट खुलने की वो कर रहा है। अब मेन गेट खुलता है सीधा बाहर। बाइक के शॉर्ट आपने देख लिया है, जैकी भी देख लिया है, मैं सब देख लिया है। बाइक वार्म अप हो रही है, बस अभी वार्म अप करके निकल रहा हूँ यहाँ से। यू मिस मी, आई मिस यू टू। चलो भाई, बैंक का काम हो गया है, कार्ड के लिए फॉर्म देना था वो मैंने दे दिया है, अब निकलते हैं अपने दूसरे काम के लिए। इतनी गंदी सर्विस है ना KTM की, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरे को KTM से ऐसी सर्विस देखने को मिलेगी। बाइक बहुत अच्छी बना रखी है KTM ने, बट सर्विसेज जीरो। तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आज। पहुंच गए सर्विस। चलो भाई ऑफिस में चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे काम ही ब्लॉक करूँगा, बातचीत होगी, इंश्योरेंस का काम है तो वो करा के निकलते हैं यहाँ से। KTM में गया था, वहाँ पे क्या हुआ कि जो इंश्योरेंस के लिए पिक्चर लेने वाला बंदा होता है ना, उस बंदे ने, ओह क्या लग रही है यार बाइक, हाँ तो जो बंदा था जो फोटोज लेता है बाइक की, जिससे इंश्योरेंस होता है,
तो वो बंदा कहीं और था, तो हम दोनों ने एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया कि हम यहाँ मिल जाते हैं। तो अभी मैं बीबीटी के सामने आ गया हूँ सेक्टर 10 में, जो गुड़गांव से वो लोग जान जाएंगे। बाइक यहाँ लगा दी है, अंदर गाड़ियाँ खड़ी है बहुत प्यारी प्यारी। देखो ये फरारी, ये एक विंटेज कार है बिल्कुल गेट पे, रेंज रोवर, प्यारी प्यारी चीज़ें। चलो तो उसका वेट करते हैं अभी थोड़ी देर बस। बाइक क्या मस्त लग रही है। लो भाई, देव भाई आ गए हैं, फोटो करेंगे एक सेकंड। अब फोटोज होंगी बाइक की थोड़ी सी, खैर इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस के लिए मैं गया था, उन्होंने फोटो करी, बट एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि जो ये नंबर होता है ना इसका, ये भिड़ रहा है, ये जो ये पार्ट है ये भिड़ रहा है इसको, तो इसकी वजह से इसका नंबर मिटता जा रहा है। तो नंबर मिटेगा तो इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं KTM में वापस आ गया था। मतलब भाई बता दूँ कि इनको बता दूँ पहले कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ताकि ये लोग भी रहे मेरे साथ, कि कल को अगर एकदम से मेरे पास इंश्योरेंस वालों का फ़ोन आ जाए, बोले कि जी आपका नंबर ढंग से नहीं दिख रहा है ये वो, तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। मैंने दिखा दिया अपने भाई यहाँ पर, बाकी फ़ोटोज़ हो गई, इंश्योरेंस का काम हो चुका है, अभी यहाँ से बस निकल ही रहा हूँ। भाई वो खड़ी मेरी, सारा काम निपटा लिया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अब लग रही है भूख बहुत कड़ी। तो अब हम आ गए हैं बिरयानी खाने, बिरयानी हो गया भाई, बिरयानी खानी है ना। तो स्टार मॉल के सामने एक है, नाम बताओ भैया दुकान का, अल नजीम मुरादाबादी, अल नाजिम है क्या, अल नाजिम मुरादाबादी हैदराबादी बिरयानी जो आ चुकी है स्टार मॉल के सामने, है बहुत ही बढ़िया। मैं तो मेरे को तो बढ़िया लगती है, पता नहीं तुम्हें कैसी लगेगी, जिसको आना है वो आ सकता है। मेरी फेवरेट स्पॉट है, मैं यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ, मैं अंसल में तक से आ रहा हूँ, मतलब कि 3, 5, 6, 7 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। भैया चटनी यहाँ कहाँ है, ये पीस तो खाते हैं मेरे घर मिलते। तो बिरयानी खा के निकल रहा था, इतने में अन्नी का फ़ोन आ गया, अन्नी कह रहा है आधा किलो मेरे लिए भी, तो आधा किलो अन्नी के लिए भी पैक करा लिया। अब निकलते हैं घर के लिए, घर नहीं जा रहा पहले स्टूडियो जाऊंगा, स्टूडियो में छोटा एडिटिंग का काम चल रहा है तो वो करेंगे, फिर उसके बाद जाऊंगा घर। अभी निकल रहे हैं यहाँ से बिरयानी वाले, क्या हाल है भाईजान, चले टाटा। ये तो कोई काम नहीं चल रहा है, क्या करो, हो तो गया खत्म, कितना करे। क्या हाल है बॉयज, देखो परेशान आत्मा भाई। दो दो चाय का मैच लग चुका है, बहुत हैवी मैच लगेगा अभी कैरम का। ये भाई यहाँ के स्टार प्लेयर हैं, इनको मैंने 2 फ्रेम हराए थे बड़े मुश्किल से, जब ये नींद में थे ना भाई, ये पूरी भयंकर नींद में था, तब मैंने इस भाई को 2 फ्रेम हरा दिए थे, बड़े अच्छी किस्मत थी मेरे उस टाइम। बाकी ये भाई हैं हमारे, हरमन नाम है इनका, और ये बड़े प्रोफेशनल प्लेयर हैं ये, मतलब टोपी लगाते तो इनका फोकस नहीं लगता, टोपी हटा रखी है आज, इनका फोकस देखते लगेगा नहीं लगेगा। बाकी गन्नू भाई हैं इनका, अभी अभी मैंने गेम देखा है, तो आई विल नॉट ट्रस्ट हिम, क्योंकि 50 जीते हैं यार। हाँ तो हम दोनों टीम है, आप दोनों टीम हो, हम दोनों टीम है, मारे जाएंगे। कौन आप दोनों? अरे नहीं क्या बात कर रहा हूँ, हम भी थोड़ा ठीक ठाक खेल लेते हैं, ले जाऊंगा 40 तो बाकी 50-60 मेरे हो जाएंगे, ठीक ठाक खेल लेंगे। चलो तो मैच शुरू हो चुका है, खेलते हैं। ये देखो स्टैक्स आ रहा है, ये भाई ने चुरा लिया है। भाई कह रहे थे कि क्या कह रहे थे भाई आप पहले स्टार्टिंग में, ये देखो ये हार चुके हैं, हार चुके हैं, एक फ्रेम तो हार चुके हो भाई, कह रहे ये तो मर जाएंगे, नहीं मरे भाई, हमारी रानी दो यार, दो रानी थी हमारे पास, व्हाट इज दिस, ये बात हमारी मेहनत है, मेहनत नहीं ले सकते। कैमरा पे क्या कर रहा है, कौन सी थी तेरी 50 10 और 20 से आगे नहीं बढ़े हो तुम लोग, 50 तक तो नहीं पहुंच पाए हो, 130 बस गिनने में टाइम लगता है भाई, 130 तो ठीक है, गिनने में भी तो टाइम लगता है। ये देखो इनका, देखो इतना बड़ा पहाड़ है, हमारे 4 गोटियां, बहुत पैसा है, करंसी बड़ी है ना, करंसी बहुत है।
भाई साहब लौटने में करी बहुत मेहनत बट बेचारे साहब बहुत बुरा हो रहा है, पूरी रात नहीं सोया और वीडियो डाली 12 GB की। 12 GB पे बढ़िया सा कॉपीराइट आ गया इसके ट्रेलर में, और ट्रेलर थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी अभी कर रहा है लड़का, पर लगा पड़ा देखो दोनों की हालत इतनी बुरी है, बेचारे पूरी रात से नहीं सोए हैं ये बच्चे, और मेरे को देख के बड़ा बुरा लग रहा है। तो चलो गाइस एंजॉय, इनको देख के इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं बस जा रहा हूँ। बाय गाइस। चलो भाई यहाँ निकल चुके हैं, जूते अच्छे लग रहे हैं इसके, नाइस निकल गए भाई, अपने घर चलते हैं। घर पे जाके मेरे को एक बार अपना हेलमेट साफ करना है, ये दीपू का हेलमेट है मेरे पास अभी के लिए, बट मुझे अपना हेलमेट साफ़ करना है। मैंने वैसे तो वो साफ़ करवा दिया था, उसका जो अंदर की ये कुशन होते हैं ना, इसके ये कुशन हैं अंदर, ये साफ़ हो जाते हैं, मतलब डिटैचेबल होते हैं, वो साफ़ करवा दिए थे मैंने। बाकी अभी यार क्या लगती है यार तू, आई लव यू। चलो घर चलते हैं अभी यार। घर पहुँचे हैं और घर पहुँचते वेलकम देखो कौन करता है हमारा। हाँ जी चेक कर रहा हमारा वेलकम, और ये हो गए ना साहब, देखो रे हेलमेट का इनर पार्ट्स होते हैं, ये सूख भी गए हम यार। जैकू व्हाट आर यू डूइंग जैकू, आ दो वाइजर्स हैं इसके जो गंदे हो रहे हैं वो साफ़ करने हैं, इसके अंदर यहाँ पे मिट्टी विट्टी फंसी है, जहाँ पे भी जो भी मिट्टी है वो सारी साफ़ कर दूँगा आज, सब साफ़ कर दूँगा मैं आज। तो अभी साफ़ करते हैं आप देखो। अगर वीडियो आता देखिए तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना वीडियो को, जिससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।